हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फनी वीडियो प्रेजेंटेशन का पार्ट फिफ्थ मतलब पांचवा वीडियो आप देखेंगे। चार वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पांचवा वीडियो है। जैसा मैंने बताया था आपको कि 1000 सेंटेंस सीरीज़ है, ये आपको देखना है। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, इसका कारण है क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियो देख कर मुझे भी सफलता मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी मैं वो दूँ। जब एक व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी पेड़ लगा रहा था, तो एक दूसरे आदमी ने कहा, दादाजी आपकी एज तो काफ़ी हो गई, क्या आप अब आप आम खा पाएंगे? तो दादाजी ने जवाब दिया, क्या इतने सारे जो आम के पेड़ लगे हैं, क्या इनको मैंने लगाया था? भाई, मेरे भी पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हमें जो मिलता है अच्छा, हमें वह देने की कोशिश करना चाहिए। यही हमारा कर्म होना चाहिए, यही हमारा धर्म होना चाहिए। जब हम फ्री चैनल पर देखते हैं तो हम उनको फीस तो दे नहीं सकते। जैसे मैंने देखा तो मैं उनको फीस तो दे नहीं सका, लेकिन यह है कि मैं उनको लाइक करता था, कमेंट्स करता था, और मुझे भी लगा कि मैं भी अपने से नीचे वाले बच्चों को जो है, जो पढ़ते हैं, उनको मैं वीडियो दूंगा। भले ही आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें, ये मैटर नहीं करता, बस आप सीख जाएं मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि मन ही मन अगर आप किसी के लिए वेल विशेस करते हो, दुआएँ करते हो, तो वो उस तक पहुँच जाती हैं, ये भी कम नहीं रहता। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम रोज़ देखते हैं, वैसे आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होता है पहले सेंटेंस से, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, यू आर माइन एंड विल बी माइन, तुम मेरे हो मेरे ही रहोगे। बहुत मज़ेदार है। तेरा क्या होगा कालिया, ये बहुत फेमस डायलॉग है शोले फिल्म का, और आपको पता भी होना चाहिए। और पता है आपको, व्हाट विल हैपन टू यू कालिया, व्हाट विल हैपन टू यू कालिया, तेरा क्या होगा कालिया। नए नए धनी को क्या बोलते हैं, जो नया नया धनीस बनता है, इसको बोलते हैं परवेन्यू। परवेन्यू बोलते हैं जो नया नया रईस बनता है ना, उसको बोलते हैं परवेन्यू। दैट पर्सन हु बिकम रिसेंटली रिच कॉल्ड द परवेन्यू। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, अक्सर शादी के बाद ऐसा एक दूसरे से बोलते हैं पति पत्नी, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आई मेड अ ग्रेव मिस्टेक बाय मैरिंग यू, आई मेड अ ग्रेव मिस्टेक बाय मैरिंग यू। ठीक है, ऐसा लगता है पर ऐसा रहता नहीं है, कोई गलती नहीं करता। मैं तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम अबाउट टू प्रपोज यू। हाथ मांगने का मतलब ये नहीं है, अब आप तो खुद ही जानते हो, हाथ मांगने का मतलब ये नहीं है कि हाथ दे देगा आदमी आपको। हाथ मांगना मतलब प्रपोज ही होता है, मतलब प्रस्ताव लेके ही जाना होता है, और कोई आपका प्रस्ताव मान लेता है मतलब वो अपना हाथ दे देता है। चुम्बन को क्या बोलते हैं, किस। ठीक है, बस किस, ये आप जानते हो। ठीक है, ऑस्कुलेशन भी बोलते हैं, ऑस्कुलेशन लंबे चुम्बन को। तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या बोलेंगे इसको, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तो कंसिडर, व्हाट डू यू कंसिडर योर सेल्फ। अच्छा, यहाँ पे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड समझना, कंसीडर क्या होता है, विचार करना अपने बारे में, सोच विचार करना, तो व्हाट डू यू कंसीडर योर सेल्फ। डकैती को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रॉबरी। जैसे कि कोई दीवार तोड़ के चोरी कर लेता है, उसको रॉबरी बोलते हैं। जैसे कोई गाड़ी लूट लेता है, कोई ट्रक लूट लेता है, ये सब चीज़ें रॉबरी की कैटेगरी में आती हैं, जो गुंडे टाइप के लोग करते हैं। गुस्सा थूक दो, बड़ा सिंपल है, स्पिट तो आपको पता ही है, स्पिट आउट द एंगर, गुस्सा थूक दो। लेकिन दोस्तों, गुस्सा थूक देना, लेकिन और कुछ मत थूक देना रोड पे। सरकार ने नियम बना दिया है, अगर आपने रोड पे कुछ थूक दिया और किसी ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी, तो आपके ऊपर FIR होगी, ध्यान रखना। इस उपकरण को क्या बोलते हैं, रेंच, पाइप रेंच। दोस्तों, सब कुछ पता होना चाहिए। मान लीजिए अब आप इंग्लिश के जानकार हैं, और आपके घर में काम करने वाला मिस्त्री आया, प्लम्बर, और वो इसको पूछ रही है आपसे, भैया इसको क्या बोलते हैं, आप नहीं बता पाए, तो क्या मतलब। मोबाइल चार्ज पर लगा दो, पुट द मोबाइल ऑन चार्जिंग, पुट द मोबाइल ऑन चार्जिंग। अगला है, वह मजाक कर रही थी, सी मस्ट बी जोकिंग, वह मजाक कर रही होगी, मतलब वह जरूर मजाक कर रही होगी, तो क्या बोलेंगे, सी मस्ट बी जोकिंग। मजाक को बोलते हैं जोक, ठीक है ना, जेस्ट भी बोलते हैं और जोकलरिटी भी बोल देते हैं। गधा गाड़ी को क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गधा गाड़ियाँ चल रही हैं इस समय, तो और भी ज़्यादा, वहाँ पे उनके गधे को खाने के लिए नहीं मिल पा रहा, डंकी कार्ट बोलते हैं गधा गाड़ी को, पाकिस्तान में बहुत चलती है। यह मुझे बस अभी पता चला, जब कोई बात आपको हाल ही में अभी अभी पता चलती, फिर आप क्या बोलते हैं, आई हैव जस्ट कम टू नो दिस, आई हैव जस्ट कम टू नो दिस, मैं अभी आता हूँ, आई जस्ट कम, ये भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो आई एम जस्ट कमिंग भी बोल सकते हो, आई जस्ट कम। जब आप किसी से बात करते हो तो लंबे सेंटेंस नहीं बोलते हो, छोटे सेंटेंस बोलना पड़ता है। स्वाद नमक से आता है, तो क्या बोलेंगे, टेस्ट कम फ्रॉम साल्ट, टेस्ट कम फ्रॉम साल्ट, टेस्ट कम फ्रॉम साल्ट। हलवाई को क्या बोलेंगे, कन्फेक्शनर, क्या बोलेंगे, कन्फेक्शनर। कैंडी मेकर भी बोल देते हैं, कैंडी मेकर वो जो मिठाई बनाता है ना, कैंडी वो उसको, लेकिन
कन्फेक्शनर उसका अच्छा वर्ड है। अब देखिए सेंटेंस के साथ साथ बीच में वर्ड भी आते जाए तो अच्छा है, सब कुछ सीखें। सड़क पर सन्नाटा है, सन्नाटा अपन बोलते हैं ना, जैसे अभी लॉकडाउन लगा दो, देखो कैसा सन्नाटा पसरा है पूरे चारों तरफ, पुलिस की गाड़ियाँ बस हॉर्न मारते हुए दिखती हैं, सायरन मारते हुए, तो क्या बोलेंगे, द स्ट्रीट इज़ क्वाइट। कितना अच्छा वर्ड है, कितना फिट हो रहा है हमारे लॉकडाउन, द स्ट्रीट इज़ क्वाइट। मतली को क्या बोलते हैं, नौजिया, मतलब ऐसा कि उबकाई आना, उल्टी की इच्छा होना, फिर उल्टी ना होना, ठीक है, सी इज़ फीलिंग नौजिया, तो उसको डॉक्टर अक्सर इसको बोलते हैं नौजिया, हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते पर वो बोलते हैं नौजिया, हम लोग तो सीधा वोमिटिंग जानते हैं। कैसी लगती हूँ मैं इन कपड़ों में, तो क्या बोलेंगे, हाउ डू आई लुक इन दीज क्लॉथ्स, हाउ डू आई लुक इन दीज क्लॉथ्स, आप पूछते हो मैं इस कपड़े में कैसा लगता हूँ, इस ड्रेस में मैं कैसा लगता हूँ, तो इंग्लिश में बोलो हाउ डू आई लुक इन दिस ड्रेस, इन दिस क्लॉथ्स, ठीक है। लालची को क्या बोलेंगे, लालची, कवेटस, लालची को हम बोलते हैं एवरेसियस, ग्रैबी, ग्रैबी या ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग या बोल देते हैं ग्रीडी भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कोबेटस, बच्चे को हाउ कोबेटस यू आर, तुम कितने लालची हो। देखो अलग अलग प्रकार का लालची होता है, जो ग्रीडी जो होता है जैसे खाने पीने, जैसे कि ग्रीडी किसी पैसे का लालची ग्रीडी, और जो खाने पीने का लालची कोबेटस, लेकिन दोनों का एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। चाटने को क्या बोलेंगे, लिक, लिक्ड कैंडी, ही लिक्ड कैंडी, लिक, इसलिए बोले लिक्रिस होता चटोरा, लिक्रिस उल्लिख होता चाटना, लिक्रिस होता चटोरा। शर्त लगाने को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई बैट सी विल बी देयर, मैं शर्त लगाता हूँ वो वहाँ होगी, आई बैट सी विल कम, मैं शर्त लगाता हूँ वह आएगी, ठीक है, आई बैट यू विल पास, मैं शर्त लगाता हूँ तुम पास हो जाओगे, ठीक है। सास को क्या बोलते हैं, सास को बोलते हैं मदर इन लॉ, लेकिन अगर मदर इन लॉ लड़ाकू हो फिर क्या बोलेंगे, बेलिकॉस मदर इन लॉ, क्या बोलेंगे, वेलिकॉस मदर इन लॉ, लड़ाकू सास। अब मैं क्या करूं, अब किसी की, अब इसकी गाड़ी ख़राब हो गई, अब कह रही अब मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू, अब मैं क्या करूं, गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये मैंने कहावतों में भी बताया था आपको, लेकिन एक बार और आ गया, सल्लू भाई कह रहे हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट, वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट। ताना देने को क्या बोलेंगे, टांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टांट, ठीक है, बेट भी बोलते हैं, कॉड भी बोलते हैं, रैग और रैली, ताना देना, और इसे ऐसा भी बोल देते हैं पास सरकास्टिंग कमेंट्स, उसे हम टिप्पणी करना भी बोल देते हैं, टाइंट मानना बोलते हैं ना, टाइंट मानना, पास सरकास्टिंग कमेंट्स। आँख फड़कने को क्या बोलते हैं, आई ट्विच, क्या बोलते हैं, आई ट्विच, मान लो हिंदी में तो पता है आपको आँख फड़कना, लेकिन इंग्लिश में किसी ने पूछ लिया क्यों भैया क्या बोलते हैं आप अंग्रेजी सीखते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आई ट्विचिंग होता है, आई ट्विचिंग, आँख फड़कना। तुम सब नाराज क्यों हो, वाई आर यू ऑल अफेंडेड, वाई आर यू ऑल अफेंडेड। बेवफाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनफेथफुलनेस, क्या बोलेंगे, अनफेथफुलनेस, डेस्पाइट हिज अनफेथफुलनेस ही लव्स हिम, डेस्पाइस ऑफ अनफेथफुलनेस ही लव्स हिम, कहते ना उसकी बेवफाई के बावजूद भी वह उसे चाहती है, उसे प्यार करती है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। सूजी के हलवे को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सेमोलिना, क्या बोलते हैं, सेमोलिना, सेमोलिना डेजर्ट, सूजी का हलवा, सेमोलिना डेजर्ट, डेजर्ट होता है मीठा, सेमोलिना डेजर्ट। गली में आज चांद निकला, वाह गली में आज चांद निकला, टुडे द मून इमर्ज इन टू द लैन, टुडे द मून इमर्ज्ड इन टू द लेन। आपने देखा होगा जब रक्षाबंधन के टाइम आपके मोहल्ले पड़ोस में जिनकी शादियाँ हो जाती हैं वो लोग लौट के आते हैं बहुत दिन बाद, है ना, या मान लीजिए कोई कहीं बाहर पढ़ने जाता है इंदौर भोपाल दिल्ली बम्बई, वहाँ से जब आता है तो आप बोलते हो अरे आज तो गली में चांद निकल आया, टुडे द मून इमर्ज्ड इन टू द लेन, गली में आज चांद निकला। यहाँ पर ये लड़का चांद नहीं है, ये लड़कियों को चांद बोल रहा है, ये तुम लड़कियों को चांद समझो, ये चांद नहीं, ये तो पता नहीं राहु केतु लग रहा है, तो इतना मत शर्माओ, तो क्या बोलेंगे, डोंट बी सो शाई, डोंट बी सो शाई। अपनी माता से मेरी बात करवाना, देखिए कितनी कॉन्फिडेंट लड़की है, ये कह रही अपनी मम्मी से बात करवा दो, गेट योर मदर टू टॉक टू मी, गेट योर मदर टू टॉक टू मी, अपनी मम्मी से मेरी बात करवाओ, गेट योर मदर टू टॉक टू मी। कह कहे हंसना, गफो, गफो, क्या बोलेंगे, गफे, गफे, तो इसे जो प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे तो क्या बोलेंगे, गफाओ, 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 मतलब बेली लॉफ, हंसना, कह कहे पेट दर्द करने लगना, उतना ज़्यादा हंसना। ना जाने
कब वो लौटेगा, ना जाने कब वो लौटेगा। डोंट नो वैन ही विल रिटर्न, डोंट नो वैन विल ही रिटर्न, वैन ही विल रिटर्न, पता नहीं वह कब लौटेगा। ठीक है, जब आप किसी का इंतज़ार करते हो, पता नहीं वो कब लौटेगा, डोंट नो वैन ही विल रिटर्न। देखो कितने अच्छे वर्ड हैं। बेरहम को क्या बोलते हैं, क्रूअल, जो मारता पीटता है किसी को, बहुत अच्छे से पेश नहीं आता, लवली ट्रीट नहीं करता किसी को, तो हम उसे बोलेंगे क्रूअल, जिसे बोलेंगे क्रूअल, निर्दयी। फिटकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलम। फिटकरी को अंग्रेजी में बोलते हैं एलम, अंडरस्टैंड, इसको बोलते हैं, इसे भी बोल सकते हैं एमोनिया एलम, अमोनिया एलम भी बोल देते हैं, और बोल देते हैं अमोनियम। ठीक है, फिटकरी। इस फल को क्या कहते हो, मुझे पता है आप इसे आंवला बोलते होगे, है ना, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलते हैं गूसबेरी, गूसबेरी बोल देते हैं, गूसबेरी वश, उसके बाद रिप्स गूसवेलरली। ठीक है, अच्छा हाँ, ग्रोसुलेरिया है, ग्रोसुलेरिया, लेकिन ये कुछ बॉटनिकल नेम भी होते हैं, अपन तो उसको बोलेंगे गूसबेरी, जो अपने यहाँ चलता है। वह नींबू निचोड़ रही है, तो क्या बोलेंगे, सी इज पिस्कीजिंग द लेमन, सी इज पिस्कीजिंग द लेमन। रटने को क्या बोलेंगे, रटने को तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्रैमिंग, या क्रैम होता है रटना, क्रैम होता है रटना, जैसे कि क्रैम इज यूजफुल इन इमरजेंसी बट इट्स नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग। क्रैमिंग इज गुड फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए तो ठीक है, पर लॉन्ग टाइम लर्निंग के लिए ठीक नहीं है, तो क्रैमिंग होता है रटना। इसे और भी होता है, मगअप होता है, उसके बाद ड्रम होता है, उसके बाद होता है बोनअप भी होता है, उसके बाद ग्रिंड अवे होता है, एंड शॉर्ट एंड शॉर्ट अप, ये सब रटने के मतलब हैं। बाल क्यों नहीं कटवाता, ठीक है, बाल क्यों नहीं कटवाता, अभी लॉकडाउन में तो जाना भी नहीं कटवाने, बाल क्यों नहीं कटवाता, तो क्या हो जाएगा, वाई डोंट यू हैव अ हेयर कट, बाल क्यों नहीं कटवाता। कितने पैसे दूँ, हाउ मच डू आई पे, अपन बोलते ना कितने दें भैया, हाउ मच डू आई पे, मैं तुम्हें अपना बना लूँगी, ये शायद पहले हो चुका, चलो एक बार और आ गया तो कोई बात नहीं, आई विल मेक यू माइन, मैं तुम्हें अपना बना लूँगी। मैंने तुमको नहीं रुलाया, आई हैवंट मेड यू क्राई। कई बार आप बच्चों के साथ खेलते खेलते उनको चिमटी काट देते हो, या उनको आँखें से बड़ी आँखें करके देख लेते हो, तो बच्चे रोने लगते हैं, फिर आप बोलते हो कि मैंने आपको नहीं रुलाया, आई हैवंट मेड यू क्राई। झोपड़ी को क्या बोलते हैं फ्रेंड, हट, इसे हट भी बोलते हैं, हच भी बोलते हैं, और शेक और सेंटी भी बोल देते हैं, शेक सेंटी हट। ठीक है, मजाकिया को क्या बोलेंगे, मजाकिया को बोलेंगे हिलेरियस। अभी तक आपने देखा हो मजाकिया को आप प्लेफुल भी बोल देते हो, चंचल, फनी भी बोल देते हो आप, कॉमेडियन भी बोल देते हो आप, कॉमिक भी बोल देते हो, लेकिन एक नया वर्ड आ गया हिलेरियस, ऐसे ही तो ज्ञान बढ़ता धीरे धीरे, हिलेरियस। जीवन सुख दुख का नाम है, तो क्या बोलेंगे, लाइफ इज़ द नेम ऑफ पेन एंड प्लेजर, लाइफ इज़ द नेम ऑफ पेन एंड प्लेजर। यह मुझे सारी रात जगाए रखती है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सी कीप्स मी अप ऑल नाइट, सी कीप्स मी अप ऑल नाइट। फिर जाने क्या हुआ मुझे याद नहीं, What happened then? I don't remember. What happened then? I don't remember. ये पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन समाप्त हो गया है, और आपको आगे वाले वीडियो देखना है। दोस्तों, पढ़ाई आसान अगर होती तो हर कोई सफल होता, पढ़ाई आसान नहीं है, बैठना पड़ता है, कमर दर्द करती है, आँखों को जलाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है।